का मौका दे दे। पत्रकार, शिक्षक, संसद पर आवाज चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। एमपी एमएलए पर लाठी बरसे, आम आदमी के पूछे, रोज परीक्षा दे के भी बबुआ घर में बैठल बा छूछे। सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के, सीमा है दरियाई पाकिस्तान छोड़ के। बिहार में कलाकारी का कहीं से कोई कमी नहीं है। आप भी आए दिन देखते होंगे कि बिहार से कभी यूपीएससी परीक्षा में वायरल हो जाते हैं कोई परीक्षार्थी, तो कहीं एसटीईटी अभ्यर्थी को पिटाई खाते अभ्यर्थी वायरल हो जाते हैं, कहीं पुलिस कर्मी वायरल हो जाते हैं, तो कभी कलाकार भी हमारे बिहार राज्य से वायरल हो जाते हैं। वही कलाकार छपरा से चलकर आए हैं पटना के गांधी मैदान में। यह जो है, जो भी वायरल मुद्दा होता है उस पर अपना सॉन्ग लिख डालते हैं और सॉन्ग लिखने के बाद उसको गुनगुना भी देते हैं। वही यह वायरल बॉय हैं, इनका हम परिचय जानेंगे और उसके बाद आपको हम जो भी गाना होगा वायरल स्टोरी पे वो हम सुनाने की। चलिए, आप अपना नाम बताइए, परिचय बताइए, कहाँ से? जी, रौनक रतन मेरा नाम है और मैं छपरा जिला से हूँ। चलिए, आप जो है वर्तमान में अभी एसटीईटी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हुआ है, सीमा हैदर जो है सीमा पार करके प्यार परवान चढ़ा तो आ गई भारत में, उस पे कुछ गाना आप लोग, आपका वायरल हो रहा है, तो उस पे कुछ गाना गुनगुना के बता दें। सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के, सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के, सीमा है दरियाई पाकिस्तान छोड़ के। हिंदुस्तान के प्यार में अपना जहान छोड़ के, सीमा है दरियाई पाकिस्तान छोड़ के। एसटीईटी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हुआ था, उस पे गुनगुना दे। पत्रकार, शिक्षक, संसद पर आवाज चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। एमपी एमएलए पर लाठी बरसे, आम आदमी के पूछे, रोज परीक्षा दे के भी बबुआ घर में बैठल बा छूछे। ताना शाही के नीचे अब लाचार चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। इस कला के पीछे, इस गुनगुनाहट के पीछे, इस स्वर के पीछे कहीं न कहीं राज जरूर है, और उस राज का असली मकसद क्या है, इन लोगों का यह कहां तक पहुंचना चाहते हैं, यह हम जानने की प्रयास करते हैं। क्या उम्मीद लगता है कि आप किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, किस तरह से परिश्रम कर रहे हैं आगे ऊंचाइयों को छूने के लिए? जी, क्लासिकल संगीत में मेरा रियाज है बहुत देर तक, और रियाज करते रहते हैं तो आवाज अच्छा रहता है। इसके लिए बहुत सारा चीज़ जो होते हैं कलाकार लेना छोड़ देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, या बहुत सारे अन्य कई पदार्थ हैं जो कि खाना पीना बंद कर देते हैं, तो आप भी उस सारे चीज़ों में प्रतिबंध करते हैं या फिर आप रेगुलरिटी के तौर पे लेते रहते हैं? बंद तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी पिए नहीं है, पिए हम भी हैं और खाते भी हैं, लेकिन नॉर्मली तो बंद ही रहता है, कभी हो जाता है एक बार कभी। आपका वीडियो जो है काफी, मतलब उम्र कम है लेकिन ब्लास्ट जो है आपका बहुत बड़ा बड़ा है, लिटिल पैक बिग ब्लास्ट आपने कर दिया है अब तक, कई सारे आपके जो वीडियो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, परिवार वाले को कैसा लग रहा है? परिवार वाले मुझे सपोर्ट करते हैं और आप इतना ऊंचाई देख ही रहे हैं, तो परिवार के वजह से और मेरे जो दर्शक हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके वजह से, और मेरे पापा और मेरे गुरुजी की वजह से बहुत मुझे सपोर्ट मिला है। सबसे ज्यादा जो है, या आप जो संगीत लिखते हैं तो लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं या लिखने वाले कोई और? लिखने वाले मेरे पापा हैं। अच्छा, पापा ही लिखते हैं? जी। तो पापा जो हैं वो कहाँ हैं? पापा क्या है, इनसे बात कर लीजिए। तो देखिए, यह पिता हैं इस बच्चे के, यह वायरल बॉय के, और यही जो है अपना संगीत लिखते हैं बच्चे के लिए, और बच्चा जो है यह गुनगुनाता है। अब बताइए कि कुछ एकाध गजल हो जाए। जी,
शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, यानी कि अगर डस लेता है सांप तो दोस्त जो होता है वह कहीं ना कहीं आपको अस्पताल लेकर या कोई नीम हकीम के पास लेकर चला जाएगा, आपकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अगर दोस्त ही डस ले तो वो सांप तो नहीं बचाएगा, बाद बाकी आप समझ सकते हैं कि कौन बचाएगा। तो आप बताइए कि हम तेरे शहर में काफी बेहद हमको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो गा के थोड़ा सा। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। वाह वाह वाह, जितना बोलूं उतना कम है तारीफ, जितना कर लूं उतना कम है। मतलब कि इस उम्र में जिस ऊंचाई को छुआ है यह बालक कहीं ना कहीं उस रियाज का, उस मेहनत का फल है जो आज इतना चमक रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, कहीं पे किसी फिल्म में हो या किसी गायकी के स्तर पे हो, मतलब कि कह सकते हैं एक शब्द में कि यह बच्चा जो है परिश्रम के बल से अपनी ऊँचाइयों को छू रहा है और आगे सफलता जरूर प्राप्त करेगा इस मेहनत के दम पर। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दे। धन्यवाद।